अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक और ख़बर लेकर आपकी खिदमत में आया हूँ। ये खबर है, इसको खबर लेख इस ही समझिएगा। इस हवाले से आप फिर दोस्त नाराज़ होते हैं कि जी अमल तो होता नहीं है और खबर पे खबर आई जा रही है। तो जो मालूमात मिलती है वो तो मैंने आपके साथ शेयर करनी होती है। जब वो अमल दरामद होगा, कोई नोटिफिकेशन होगा, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। लेकिन ख़बर की हद तक, मालूमात की हद तक जो मैं अपने मेरे दोस्त हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनको मालूमात से आगाह करना जो है वो इस हवाले से मैंने चैनल बनाया हुआ है। एक और ख़बर आई है, वो मैं आपको साथ शेयर कर देता हूँ। पहले भी मैंने इस हवाले से आपको डिटेल बताई थी 8 जनवरी तक के हवाले से। तो फिर इस हवाले से डीसी साहब का जो एक बयान जो है वो एक अखबार में शाया हुआ है, वो आपके साथ मैं जो है वो शेयर कर रहा हूँ। हमजा शफकात साहब हैं डिप्टी कमिश्नर, मुलाजमीन के जायज़ मुतालबात आइंदा हफ्ते पूरे कर देंगे। हमजा शफकात साहब का कहना है, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लाइज़ ग्रैंड अलायंस 5 जनवरी को एहतजाज की कॉल वापस ले लें, डिप्टी कमिश्नर साहब ने कहा था। तो मुलाजमीन के जायज़ मुतालबात आइंदा हफ्ते वो पूरे कर देंगे। फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लाइज़ ग्रैंड अलायंस ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात से मुलाकात की, जिसमें 5 जनवरी को होने वाले एहतजाज के हवाले से ज़िली इंतजामिया से तफसीली गुफ्तगू हुई। डिप्टी कमिश्नर हमजा शफकात ने फेडरल गवर्नमेंट ग्रैंड अलायंस के वफद, जिसकी क्यादत रहमान बाजवा सरबरा कोर कमेटी वफाकी सेक्रटेरिएट मुलाजमीन इजहार अब्बास चेयरमैन CDA लेबर यूनियन शौकत अली सलहरी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाक PWD मुबीन शेख नेशनल सेविंग और सरदार सदीक सदर फेडरल डायरेक्टरेट एजुकेशन शिराज हाफिज निसार ताहिर रफीक और सैयद मोहम्मद अहमद सेक्रटेरिएट कर रहे थे को यकीन दहानी करवाई के मुलाजमीन के देरपा और जायज़ मुतालबात आइंदा हफ्ते तक पूरे कर दिए जाएंगे, ताहम 5 जनवरी की एहतजाज की कॉल को वापस ले लिया जाए। ये थी ताज़ा तरीन अपडेट। उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी और आप इस वीडियो को भी शेयर करेंगे।